ऑलराइट, सो हाय गाइस, कैसे आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो बहुत टाइम से मेरा यूट्यूब पे ब्लॉग नहीं आ रहा है, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज सम रीजन गाइस मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पा रहा था। बट अभी मैं ट्राई करूँगा कि वीकली एक ब्लॉग को भी अपलोड करूँ चैनल पे। सो आप मेरे चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल, ऐसे छोटे मोटे कॉन्टेंट मैं अपने चैनल पर लाते रहता हूँ। सो मैं ट्राई करूँगा कि और अच्छे अच्छे कंटेंट मेरे चैनल पर लाते रहूँ। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट आवर ब्लॉग। So hi guys, what's up? Welcome back to my RN Vlog YouTube channel. So guys, welcome back to another video. So guys, आज की वीडियो में हम विजिट करने वाले हैं कोस्टल एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी सेंटर, विच इज लोकेटेड इन एरोली। तो हाँ guys, ये एरोली में लोकेटेड है। सो आज जाके देखते हैं अपन क्या 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 देखने मिलता है, क्या क्या नहीं। सो गाइस, ये ब्लॉग मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। बहुत सी चीज़ें हम लोग को देखने और सीखने मिलने वाली यहाँ पे, जैसे कि इसके बायोडाइवर्सिटी के पीछे एक लेक है, मतलब खाड़ी है, उधर वेल फिश पाई गई थी। सो उसके बोन्स, मतलब वो मिलने के बाद मरी या मरने के बाद मिले मुझे पता नहीं, बट उसके बोन वहाँ पे है, ऐसे हिस्ट्री वो लोग ने रखा है वहाँ पे। सो अभी देखते हैं आप लोग को देखने मिलता है कि नहीं। और बहुत से रेयर बर्ड्स के हम लोग को इन्फॉर्मेशन और वॉइस वगैरह सुनने मिलने वाले। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, ब्लॉग से लास्ट तक देखिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर ब्लॉग। इसको पानी में डाल आता फ्लेमिंगो है तो भाई, मगर मच्छी सगड़ा है तो रास्ते भाई जे। अरे एक दो फोटो खींच ना, देखो टिकट। तो गाइस, अभी आपने टिकट निकाला। सो हमारे पास आईडी नहीं था, फिर भी हम लोग को स्टूडेंट टिकट ही मिला है 25 रुपीज़, आप देख सकते हो। सो अगर आप एज आपका 18 से प्लस होगा तो आपको 50 रुपीज़ चार्ज होगा अडल्ट के हिसाब से। सो आप एक फाउंटेन है, सो आप देख सकते हो। आगे पीछे डॉग है कभी टिकट में डाल दिया इकडे अबे सेला वाटला पण आता याला खायला देतो रे बगलेला टाकून देचा बगला सगळ्यांना खाऊ दे साहिल पिराना इनको लग रहा है कि हम लोग अभी इनको कुछ खाने को डालने वाले हैं, सब एक साथ आए यहां पे। ए देख उसने, बट ऐसा कुछ नहीं, हम बस देख रहे हैं। ए हट रे, अरे बोला तू आज यही है कोस्टल एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी सेंटर, आप देख सकते हो। सो अभी एंटर करते हैं और अंदर जाके देखते हैं अपने को क्या देखने मिल रहा है। सो लेट्स गो। कौन है ये? यही तो है मुस्कान का आशिक।
गाइस आप गेट से एंटर करने के लेफ्ट में आओगे तो ये कोस्टल एंड बायोडा सिटी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वो बर्ड्स के स्टैचूस है। सो यहाँ का हम लोग को ज़्यादा कुछ देखने नहीं मिला, जो हम लोग आप बोल रहे थे कि बर्ड्स के वॉइस वगैरह वो साइड है। सो वो वहाँ पर जाके देखते हैं। यही है दूसरा सेकेंड कोस्टल एंड मरीन बायोडायवर्सिटी नेचर इन्फॉर्मेशन सेंटर। सो इसके अंदर जाके देखते हैं। जैसे गाइस मैंने आपको कहा था कि बर्ड्स का और एनिमल्स का वॉइस हमको सुनने को मिलने वाला है, जैसे आपको फिशेस का भी मिल रहा है। तो ये डॉल्फिन फिश है तो उसका आवाज़ नहीं सुनोगा आपको। डिटेक्ट होना तक रुक तो गाइस ये है फ्लेमिंग ऑफ थाने क्रिक। सो इसका वॉइस आपको सुनाता हूँ मैं। व्हाइट थ्रोटर किंगफिशर, इसका वॉइस भी सुना था आपको। ये इंडियन बुल फ्रॉग, सो इसका भी वॉइस सुना था आपको। तो गाइस ये कॉमन, तो गाइस ये कॉमन सैंड पीपर, सो इसका वॉइस भी सुना था आपको। तो गाइस ये सिंगिंग ऑफ द ब्लू व्हेल, सो इसका भी वॉइस सुना था आपको। तो गाइस ये मिडल में एक मैप दिखाया गया है, देख सकते हो मुंबई थाने क्रिक और ये चीज़ें यहाँ पे। तो गाइस ये सी स्टार, सो इसके बारे में कुछ दिया है यहाँ पे। सो फिश स्टार आर फेमस फॉर द रियल एबिलिटी टू जनरेट डैमेज फॉर बॉडी, देयर स्टमक कैन एमर्ज आउट ऑफ देयर मंथ एनवेलप ऑफ डाइजेस्ट प्रे। सो ऐसे बहुत से फिशेज के फोटोज है, उनके पीछे उनके इंफॉर्मेशन मतलब उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दी है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है सब ये सब। सो ये भी देख सकते हो सिल्वर पॉम्पलेट, पापलेट जैसे कि मराठी में बोलते हैं सिल्वर पापलेट, सो आप देख सकते हो। और ये गाइस कोरल फिश की पिक्चर है, इसके पीछे भी इसकी इंफॉर्मेशन दी है, सो आप देख सकते हो। सो वीडियो को पॉज करके आप सब पढ़ सकते हो, आपको चाहिए लगेगा तो। ये है ब्लू व्हेल, ये किलर व्हेल,
और ये कौन सी है? टॉप स्पीड व्हेल। ये व्हेल्स है टाइप्स ऑफ, ये देखो ये डॉल्फिन भी है। आपको चाहिए रहेगा तो आप पॉज करके देख सकते हो। ये ब्लू व्हेल है गाइस। तो गाइस आप देख सकते हो कितने टाइप्स ऑफ फिशेस है यहाँ पे, सब पिक्चर्स लगाए हुए वॉल पे, सो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। आप ठीक से देखने का तो पॉज करके देख सकते हो। तो गाइस ये भी देखने से चीज़ है, अब ये सब बर्ड्स है हम लोग को अभी देख के नहीं समझ रहा है, बट उसके बारे में अपने को जानना रहेगा तो उसको क्लिक करके इस पर करने का, और मराठी चाहिए रहेगा तो मराठी, वरना इंग्लिश पे क्लिक करके आपको इंग्लिश में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, सो आप पढ़ सकते हो। ऐसे बर्ड्स है, बर्ड्स है उसके बारे में आप देख सकते हो, मराठी इंग्लिश दोनों भी। सो वही इंग्लिश ड्रॉप करने का, सो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जाएगा, इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश, मराठी चाहिए तो मराठी। तो अभी कहीं और जाते चलो। सो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी आओगे तो देखो। इधर सब पक्षी देख लेते हैं लेकिन यहाँ पे एक पक्षी नहीं दिखा है, वो है झाटर पक्षी, वो यहाँ पे है देखो। नकली लग रही थी हम लोग को, बट वो ओरिजिनल है, आप देख सकते हो। आप डिटेल में देख सकते हो, पहले वो दूसरी जगह था, इधर आ गया ये पिल्ला है। तो और एक यहाँ पे हाँ हाथ में घूम रहा है, और एक गाइस यहाँ पे वो भी मतलब ओरिजिनल है, डेमो भी वगैरह नहीं है, बाकी फिश की तरह वो भी ओरिजिनल है। तो हम लोग को लग रहा था पापलेट नहीं रे, पापलेट थोड़ी है, पापलेट है बे। तो गाइस दिखा पापलेट लग रहा है, क्या पता हो सकता है, क्या पता आपको पता रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बता दो। ये देख ये बगली भी बोल रहा है, हां बगली गाय ने बगली चुकी है, इसको कुछ पता तो है। ये देख धीरे धीरे उंगली के पास आ रहा है, अबे इधर क्या आ गया, स्क्रीन बंद है लेकिन रुक मैं रुक हम चलाते हैं, अगर चालू होता तो पिक्चर वगैरह देख सकते थे अपन। ऑपरेटर राहुल बघेले स्कैम बॉय, स्कैम बॉय उर्फ का है मीम मटेरियल। तो गाइस अभी बायोडाइवर्सिटी सेंटर के हम लोग पीछे आ चुके हैं, तो हम लोग वो ढूंढ रहे वेल के जो स्केलेटन्स हम लोग देखने वाले थे वो, सो अभी देखते हैं हम लोग देखने मिलते कि नहीं। सो भाई रुको मैं कैमरा स्विच करता हूँ। ओके गाइस, तो हम लोग अभी बायोडाइवर्सिटी के पीछे आए, सो देख रहे कि वेल फिश का स्केलेटन हम लोग को देखने का था, सो वो कहाँ पे दिख रहा है हम लोग देखते, सो आई थिंक तो सामने है वो, जाके देखते। ये उधर ही है शायद ना, तो मिल गया गाइस हमें, तो दिखाते हैं आपको। ओ माय गॉड गाइस, वेल की मार चुकी है, ये इधर आला हुआ है फटाफट एक्सप्लोर करके जाते। सो गाइस रुको आपको दिखा, तो इसके स्केलेटन देख सकते हैं अपन। नायर नंबर लाओ लेना 12-13। सो गाइस ये ओरिजिनल है सब, क्या पता क्या पता, लग तो रहे ओरिजिनल अभी, बाकी अभी झूठ थोड़ी बोलेंगे अभी। देखो आप भी देख सकते हो, हाँ ना स्मेल भी आ रहा है, इतने पुराने हो चुके फिर भी आ रहा है। तो गाइस देख सकते हो आप सब बोन्स वगैरह कितने प्रॉपर रखे वो लोग ने, सो बहुत टाइम से रखे आप देख सकते हो, फिर भी ठीक से दिख रहे। तो देखो का दांत लगता है, पता तो नहीं हमें, क्या पता इसको क्या खास से लग रहा है, ये वेल का दांत है अभी बोल रहा है तो देख मान लेते अभी क्या। सो गाइस इसके आप गले में डाल सकते हो आप ऐसे लॉकेट जैसे, आप इसको पहन सकते हो, वो अच्छा लगेगा पिल्ले पे, घाल भरे पिल्ले का ना रे भाई, तूफान आ रहा है गाइस, वेल के हाथ में इतना आ रही है क्या, तो देख सकते हो आप कितने बोन से गाइस, उससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि कितनी बड़ी वेल होगी। ये अंदर जा रहा है, अंदर अलाउड नहीं है कैमरा ये करने का, फिर भी अंदर जा रहा है। पिल्ला हाथ में घेती तुझा, टॉयलेट है तो जाके देखते, अरे सब दिखाने का एक बार आए तो अपने को तो जाने का नहीं है, फिर भी आपको दिखा रहा है। तो कैसा ग्रीनरी लग रहा है ये सब, सो अभी माउंटेन्स और डैम वगैरह घूमने को बहुत मज़ा आएगा, सो यहाँ पे सब ग्रीनरी ग्रीनरी है।
तो गाइस ये लोग यहाँ पे फोटो शूट कर रहे हैं। सो अभी जाते हैं और आगे वहाँ पे फ्लेमिंगो सेंचुरी है गाइस की, मतलब बोट से हम लोग को खाड़ी में अंदर लेके जाते हैं वाशी साइड। सो बोट से फ्लेमिंगोस वगैरह हम लोग को देखने मिल देखते दिखाते, बट अभी बारिश की वजह से वो बंद है क्योंकि बारिश के खैर बारिश के टाइम पे वो बंद रहता है। उन्होंने टाइम दिया कुछ अक्टूबर वगैरह में कुछ वो स्टार्ट होगा बोट। सो उसके भी प्राइस वगैरह हम लोग को मिल गया तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लो। और थोड़ा आगे जाते एकदम जहाँ तक रास्ता ख़त्म नहीं होता वहाँ तक जाते और देखते क्या क्या है। ऐसे इतनी ग्रीनरी देख के ऐसा लग रहा है कि किसी माउंटेन वगैरह पे आओ। तो गाइस जिसके बाद का ब्लॉग माउंटेन पे वाटरफॉल पे हो सकता है, सो स्टे ट्यून माय चैनल। होगा शायद से अभी डैम का नहीं तो वाटरफॉल का ही ब्लॉग होगा इसके बाद का। सो आपने मेरा बीके रिसोर्ट वाला ब्लॉग देखा होगा, तो उसमें मैंने कहा था कि जैसे जैसे बारिश शुरू हो रही है होगी वैसे हम लोग माउंटेन्स वाटरफॉल्स वगैरह घूमने वाले। सो बहुत से मेरा प्लान है घूमने का, बट देखते हैं अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ मानसून, तो इतना बारिश नहीं हुआ है कि अपने को वाटरफॉल वगैरह देखने मिले, लेकिन इसके बाद का ब्लॉग वही आएगा। सो स्टे ट्यून, चल नहीं जाओ। तो कहा जहाँ पे साइकिल भी रहती है एक, आपको रेंट से मिल सकती है लेकिन पैसा किसको देने का पता नहीं। तो हम लोग अभी लेके घूमते हैं साइकिल को, विजिटर का रहेगा किसी का। तो चलो गाइस आपको खाड़ी दिखाता हूँ सामने। सो वहाँ पे शिप बोट वगैरह दिखा होता हूँ जिससे फ्लेमिंगो सेंचुरी लेके जाते। आप अगर आयरली में रहते तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार विजिट ज़रूर करें, बहुत सी चीज़ें देखने को और सीखने को मिलेगी आपको। सो आपको मज़ा आएगा। तो ये गाइस बोट्स जिससे हम लोग को लेके जाते हैं फ्लेमिंगो दिखाने वाशी साइड, बट अभी बारिश के टाइम पे वो बंद रहता है, वो अक्टूबर नवंबर में खुलेगा। सो इसकी एंट्री फीस वगैरह मैं आपको सबको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मुझे भी पता नहीं, देख के बता दूंगा आपको। देख सकते हो अभी पानी कितना भर चुका है, नहीं तो पूरा सूखा रहता है। तो अभी बारिश बहुत गिरी, कल तो पूरा दिन भर बारिश था तो उसके वजह से भरा हुआ, देख सकते हो आप। घेऊन जायचं का पुढं बोट आपला हॅडल कर देणार नाही आपले, आपण जाएंगे बे उधर समुंदर पे डायरेक्ट। हो देख रहा है का शिशोरला पाणी पण नाही, अरे पेन्सिलला जॉईंट भी ठायचं नाही, सागर विहारला शिशोरला हेच नाही पाणीच नाही काय तुम्हाला खीचड आहे अरे खाली एकदा म्हणजे इथं खाली डीप आहे स्लीप आहे का सोहेल यहाँ पे देख सकते हो कितना सिंपली है, फिर भी हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे कितना स्लिपरी है, फिर भी हम लोग यहाँ पे आए। सो यहाँ तक लास्ट है, आप दिख रहे आपको तो ये लास्ट है, इसके आगे बहुत गहरा है। बॉटल देख पानी का रोड भी देख सकते हो आप कितने मस्त दिख रहे। तो आज बारिश का वातावरण है इससे हम लोग जब घर से निकले तभी थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था, बट उसके बाद में पूरा धूप गिर गया और क्लाउड देख सकते हैं आप। तो गाइस ये अंकल लोग अभी वहाँ से आ रहे फिशिंग के लिए गए थे, सो अभी इनको मिला कि नहीं क्या पता। अरे भेटली का मच्छी मच्छी भेटली का दाखव एक दाखव। अरे ठेवली तसाच फोटो काढेल ना तो पिशू उचल ना पुढे पुढे बोल।
खेकड़ा हो सो फिश आहे उडे बट एवढी मोठी हार्ड रे छोटा फिश आहे मला तू काय जायल रे फड फड करके डाल दे एवढी जरूरी आहे बॉस पकडे भाई आणि खेकडा भी था तो गाइस भाई साहब लेफ्ट में आओगे एक रास्ता है खाड़ी के साइड जाने वाला सो वहाँ पे आओगे तो यहाँ पे एक ब्रिज है सो बाम्बू का बना हुआ ब्रिज है ये सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये ब्रिज कहाँ जाते हैं देखते तो पूरा बाम्बू से बना है गाइस ये बाम्बू बांध बांध के बना है सो आप देख सकते हो ठीक से। अरे मेरे फ्रेंड्स लोग कहाँ गए दिख भी नहीं रहे साहिल आवाज़ नहीं आ रहा है गाइस घूम गए कि क्या तो गाइस मुझे एडवेंचर वाला फील आ रहा है ऐसे लग रहा है कि मैं किसी जंगल में आया हूँ और यहाँ सब खाड़ी ऐसे पानी थोड़ा सा रोक के रखा हुआ है देख सकते हैं आप और मुझे देखते ये ब्रिज कहाँ पर जाता है बहुत रिस्की है गाइस ये ब्रिज इतने सब पुराने हो गए बाम्बू और उनको बांध बांध के एक एक रस्सी से बांध बांध के ये ब्रिज बना है इंटरेस्टिंग है सो वहाँ पे कुछ लोग फिशिंग कर रहे हैं उनका लोग बहुत लंबा है गाइस ये ब्रिज मेरे लोग का थोड़ा छोटा ही होगा मेरे फ्रेंड्स लोग भी नहीं दिख रहे तो सोचो कितना आगे गए वो लोग सो कोई नहीं इतना टाइम तो है अपने पास थोड़ा समय लगाना पड़ेगा कैमरे में देख के गए तो गिर भी जाऊँगा खाने में वापस आपने आऊँगा ऊपर सब दल दल है सो काफ़ी एडवेंचर लग रहा है गाइस ये लेकिन वैसे कुछ होना चाहिए आज कुछ तूफानी करते मेरे फ्रेंड्स लोग बहुत दूर जा चुके हैं गाइस वो देखो वहाँ पे आप दिख रहे होंगे आपको तो मुझे तो नहीं दिख रहे सो जाते फटाफट भाग के जा सकते गाइस लेकिन थोड़ा रिस्क है बाम्बू बहुत पुराने हो चुके हैं तो थोड़ा धीरे धीरे जाते ओ भाई बहुत जुड़े हो गए गाइस ये बाम्बूज तो गाइस यहाँ पे आप खेकड़े देख सकते हो क्रैप्स छोटे छोटे सो ये खाड़ी में अपने खेकड़े बहुत देखने मिलेंगे जहाँ वहाँ देखो आप लोगों को खेकड़े ही मिलने वाले एक आधा बड़ा खेकड़ा दिखना चाहिए सो आपको दिखाऊंगा मैं सो गाइस मैं कब से चल रहा हूँ लेकिन ये ब्रिज ख़त्म ही नहीं हो रहा और मुझे थोड़ा नीचे देख के चलना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा रिस्की है ऐसे कैमरे में देख के चलना क्योंकि बहुत बाम्बू से बस डोरी से बांधा हुआ ब्रिज है ये एक आधा टूटा हुआ बाम्बू रहेगा तो मैं सीधा नीचे खाड़ी में और उनके सब दल दल है देख सकते हो हम लोग कितना दूर से आए अभी वो थोड़ा सा टर्निंग पे इसलिए दिख नहीं रहा है और आगे ओ भाई आगे पूरा ये दिख रहा है गाइस मुनुन ब्रिज से जो खाड़ी दिखती है ना पानी आपने अगर आयरन में रहते रहोगे तो आपको पता होगा कि मुनुन ब्रिज से जो खाड़ी दिखती है वैसे थोड़ा बहुत दूर दूर तक ऐसे समुद्र जैसे दिखता है ना उसके एकदम कॉर्नर पे हम लोग सो आगे ये सामने आपको दिखा था हमने मेरे फ्रेंड्स लोग आगे जा चुके इतना दूर गए थे मुझे दिख नहीं रहते ओ भाई बहुत सही सीन है आपको भी मज़ा आएगा गाइस अच्छा हम लोग यहाँ पे आए ना तो हम लोग वैसे जा रहे वाले थे सो मैं थोड़ा बोला कि इधर क्या है देख के आते थोड़ा सो हम लोग को ये ब्रिज दिखा तो याद आया कि हाँ ऐसे ब्रिज है तो हम लोग अभी चल के आए सो ये भी अगर हम लोग मिस करते ना तो ये ब्लॉग में कुछ नहीं था ये ब्लॉग का कुछ फ़ायदा नहीं होता सो देखो आप आपको दिखा दो वहाँ से दिखता है सो हम लोग इतना दूर यहाँ पे आए अच्छा हम लोग ब्रिज पे आए वरना हम लोग को इतना हार्ड सीन देखने का हम लोग को मिस हो जाता हम लोग को ऐसा लगता कि
आने जैसा लगता ही नहीं। हम लोग को पता था गाइस ऐसे लकड़ी का ब्रिज है, बट हम लोग भूल गए थे। फिर थोड़ा सा हम लोग को दिखा ना, फिर हम लोग को पता चला कि अरे हार है, हम लोग ये तो देखे नहीं। सो थोड़ा चल चल के यहाँ पे आए, कितना अच्छा सीन दिखने मिला हम लोग को। अच्छा वो हम लोग ने घाई नहीं किया घर पे जाने का गाइस, इसलिए घाई नहीं करने का। और अगर बारिश आए तो और मजा आएगा। अरे पण तिथे पाऊस पडतोय, तिकडे विक्रोळी विक्रोळी पडते ना भाई, पडते गाइस। तुम लोग को कैमरे की वजह से दिखेगा नहीं, पर उधर बारिश गिर रही है। हम लोग को ही नहीं दिख रहे, वो वहाँ पे सब क्लाउड जमे हुए, तो वैसे लग रहा है कि वहाँ पे बारिश गिर रही है। यहाँ पे भी हल्की हल्की से चालू हुई है, मतलब थोड़ा सा हवा रहा है, अभी बूंद बूंद चालू हुई, अभी बारिश आएगी। सो थोड़ा भीग के जाएंगे गाइस। हाँ जीवंत है भाई, बस क्या पकड़ा पिल्ले ने आप पकड़ खेकड़े का रेस्क्यू किया। अबे पकड़ तू, रुको मैं पकड़ता हूँ। पिल्ला ही पकड़ने वाला है वो। पिल्ला यू कैन डू इट, पिल्ला पिल्ला पिल्ला। सो फाइनली पिल्ला ने पकड़ लिया। सो आपको दिखाता हूँ, ये बहुत जल्दी आटक लगता है। पकड़ मेरी नांगे दाब, नांगे लवड़े तुला नांगे तुला पिल्ले ये तो गाइस देख सकते हो आप, रेस्क्यू किया। ए छोड़ दे उसको, छोड़ दे अभी, कुछ तेला फेंको। पिल्ला तेपन तोड़, अरे बाबा मैं को तोड़ू, कैसा लगा तेला फेंकना। ये देखो मतलब उसको जीवन दान, हैंडीकैप बना दिया अभी उसको। ये पिल्ला है, उसने रेस्क्यू किया इसको। सो अभी उसको छोड़ रहा है वो, पिल्ला का दान। पिल्ला ने खेकड़े को छोड़ दिया, लवड़ा पकड़ लेते। तो गाइस आप सोचते रहोगे कि मैं चूतिया के साथ क्यों घूम रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं, ये चूतिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे व्लॉग में दिख रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। It was at this moment that he knew he fucked up. देख सकते हो टर्टल कितना बड़ा है, हम लोग आप उसपे ऊपर बैठ के सवार ले सकते, इतना बड़ा है वो। और ये बंद है, हम लोग ऐसे खिड़की से ऐसे इसको देख रहे। सो वो डोर है बंद है, लेकिन दरवाजा तोड़। नया डोर तेरे बाप लेके आएगा। देखो वहाँ पे पिल्ला, अरे पिल्ला ने खोल ले रे, पिल्ला तो डॉन टाड़ा। रुक आम देर, रुक मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, रुक मैं आ रहा हूँ। डोर बंद था, ये पिल्ला ने लात मार के खोला है इसको, और अगर वो गार्ड सा है ना तो पिल्ला। ओए भाई साहब, वो जो देखा था अपन ने टर्टल उधर वो साइड, उससे बड़ा यहाँ पे, हम यहाँ पे बैठ के इसकी सवार ले सकते, इतना बड़ा है। इससे भी बड़ा इधर है, इससे भी बड़ा। गाइस तो अभी ब्लॉग एंड करते हैं, बहुत सी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लोर कराई, जो मैंने आपको बताया कि रेयर बर्ड्स के आपको वॉइस सुनाई, उनके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन बताया, और वेल फिश के बारे में आपको मैं बोला था कि उनके बोन्स वगैरह एज ए हिस्ट्री यहाँ पे रखे हुए, तो वो भी आपको दिखाया। तो और अंदर मैंने सिनेमेटिक शॉट में सब दिखाया। सो आप आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो आप कहीं यहाँ पे आयुर्वेद वगैरह नियर बाय आयुर्वेद रहते होंगे, सो यहाँ एक बार विजिट ज़रूर करो, आपको मज़ा आएगा, आपको मज़ा आएगा। और 25 रुपीज़ आपको इतना सब घूमने मिल रहा है, सो इट्स वर्थ इट। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू बी थम्स अप, शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।